राजगढ़ जिले के सिविल मेहताब अस्पताल नरसिंहगढ़ में अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही से आज फिर एक नौजवान की इलाज के अभाव में मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्राम शाहपुर निवासी भारत पिता लक्ष्मण उम्र 17 वर्ष की अस्पताल में डॉक्टर ना मिलने और समय पर इलाज नहीं होने से तड़प तड़प कर मौत हो गई। आपको बता दें कि इस सिविल अस्पताल में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग और वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। परिजनों ने शव को रख हंगामा करना शुरू कर दिया था। हंगामा करने के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी आए। परिजनों का कहना था कि अगर वक्त पर इलाज किया जाता या वक्त पर डॉक्टर मिल जाते तो हमारा बेटा हमारे साथ होता। वही परिजनों ने भ्रष्ट डॉक्टरों और जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्यवाही की मांग की है। अब देखना यह है कि इस घटना में इन भ्रष्ट लोगों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही आश्वासन देकर छोड़ दिया जाएगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 6 बजे अस्पताल आया था मेरे भाई को लेकर। यहाँ से मैंने दाई से पूछा, उन्होंने बोला कि अभी यहाँ कोई नहीं है, अभी तुम घर जाओ। मैं इसको लेकर घर गया, घर से फिर इसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो वापस अस्पताल ले जाया। लेके आया तो जब आप आए थे कोई डॉक्टर नहीं था? डॉक्टर नहीं आया था। फिर शुरू में आते जब कोई डॉक्टर नहीं था, 6 बजे तक नहीं था। डॉक्टर ने डॉक्टर जाओ, मैंने पिछले कहा था आपको कोई डॉक्टर नहीं था। सिस्टर क्या कह रही थी? मुझे नहीं आज कोई डॉक्टर है। तो 8 बजे लेके आया था उन्होंने, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला मैं रात भर से यही हूँ, आप कहाँ थे? सर मैं आपको क्या लगता है इसमें? सर डॉक्टर डॉक्टर की लापरवाही से मेरे भाई की जान गई। डॉक्टर की लापरवाही।